दिन शुभास्तु में मैं रीटा जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम के प्रवेश द्वार के वास्तु के बारे में जानकारी दूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को मेरे चैनल के बारे में जरूर बताइए। शुभ वास्तु चैनल मेरा एक प्रयास है वास्तुशास्त्र के ज्ञान को सरल और आसान शब्दों में आप तक पहुंचाने का। अगर वास्तुशास्त्र इस सब्जेक्ट में आप नए हो और इस सब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। प्लस वास्तुशास्त्र में घर और कार्यस्थल के लिए प्रवेश द्वार का बहुत महत्व है। प्रवेश द्वार के लिए कुछ दिशाओं को बहुत अनुकूल माना जाता है, जैसे कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट इत्यादि, और कुछ दिशाओं को प्रवेश द्वार के लिए इतना अनुकूल नहीं माना जाता है, जैसे कि साउथ, साउथ वेस्ट इत्यादि। आज की वीडियो में हम साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम को प्रवेश द्वार के लिए क्यों अनुकूल नहीं माना जाता है ये जानेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण पश्चिम के प्रवेश द्वार के क्या गुण और अवगुण है और दक्षिण पश्चिम के प्रवेश द्वार के लिए वास्तु उपाय। चलिए शुरुआत करते हैं दक्षिण पश्चिम के प्रवेश द्वार के गुण और अवगुण जानकर। फ्रेंड्स, दक्षिण पश्चिम के प्रवेश द्वार के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट ये कौन सी दिशा है। साउथ वेस्ट ये साउथ यानी कि दक्षिण और वेस्ट यानी कि पश्चिम के बीच की एक दिशा यानी कि सब डायरेक्शन है। यहाँ पर अगर हम उत्तर को 0 डिग्री पर कंसिडर करते हैं तो दक्षिण पश्चिम ये 225 डिग्री होगी उत्तर के। अब हमने जान लिया कि दक्षिण पश्चिम ये कौन सी दिशा है। अब हम दक्षिण पश्चिम के प्रवेश द्वार के गुण और अवगुण जान लेते हैं। बस वास्तुशास्त्र में 8 दिशाओं का बहुत महत्व है। हर दिशा के एक दिक्पाल यानी कि दिशापालक होते हैं, जिन्हें अष्ट दिक्पाल भी कहा जाता है। यहाँ पर अष्ट यानी कि 8, दिक यानी कि दिशा और पाल यानी कि पालक या केयरटेकर होते हैं। दक्षिण पश्चिम के दिशा पालक है नैऋति, जो एक दानव है, इसीलिए दक्षिण पश्चिम को नैऋत्य कोण भी कहा जाता है। राहु और केतु का प्रभाव भी दक्षिण पश्चिम की दिशा पे होता है। 5 तत्वों में से पृथ्वी तत्व ये दक्षिण पश्चिम में होता है। पृथ्वी तत्व हर चीजों को स्थिरता प्रदान करते हैं। साउथ वेस्ट ये मुख्यतः पुरुष केंद्र स्थान है, यानी कि यह दिशा पुरुषों को मानसिक स्थिरता प्रदान करती है, जिससे पुरुषों को जीवन के हर पद पर स्थिर रहने में मदद मिलती है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में साउथ वेस्ट को घर के मुख्य पुरुष के कमरे यानी कि मास्टर बेडरूम के लिए ज्यादा अनुकूल माना जाता है। और अगर घर के साउथ वेस्ट की दिशा में मास्टर बेडरूम के बदले घर का प्रवेश द्वार आता है तो इससे घर का मुख्य पुरुष साउथ वेस्ट के लाभों से वंचित रह जाते हैं। फ्रेंड्स, वास्तु के एक नियम के अनुसार साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट की दिशाओं को हमेशा बंद और भारी होने चाहिए। और अगर घर का प्रवेश द्वार साउथ वेस्ट की दिशा में आता है तो यह दिशा हल्का और खुला रह जाता है, जो वास्तु के नियमों के विरुद्ध है। इसके अलावा साउथ वेस्ट के प्रवेश द्वार वाले घर में एक 12 साल का चक्र देखा जाता है, जिसमें पहले 5 सालों में आमदनी में बढ़त देखी जाती है, फिर उसके अगले 3 सालों में आमदनी स्थिर हो जाती है, यानी कि आमदनी ना बढ़ती है ना घटती है, और फिर आने वाले 4 सालों में आमदनी में गिरावट देखी जाती है, और कभी कभी इससे बैंक्रप्सी यानी कि दिवालियापन भी आ सकता है। इसीलिए साउथ वेस्ट के प्रवेश द्वार वाले घर या फिर कार्यस्थल को लेने से आपको टालना चाहिए। पर फ्रेंड्स, कुछ ऐसे व्यापार भी होते हैं जिनके लिए साउथ वेस्ट के प्रवेश द्वार को कुछ हद तक अनुकूल माना जाता है, जैसे कि बिजनेस जो विलासी और महंगे चीजों में डील करते हैं, जैसे कि डिजाइनर कपड़े, खड़िया, परफ्यूम, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी इत्यादि। कमीशन बेस्ड बिजनेस परमिट रूम, बियर बार के लिए साउथ वेस्ट के प्रवेश द्वार को कुछ हद तक अनुकूल माना जाता है। इसके अलावा बिजनेस जो कोयला, लोहा, टायर्स, मार्बल, ग्रेनाइट में डील करते हैं, उनके लिए भी साउथ वेस्ट के प्रवेश द्वार को कुछ हद तक अनुकूल माना जाता है। अब हमने साउथ वेस्ट के प्रवेश द्वार के गुण और अवगुण जान लिए। अब हम साउथ वेस्ट के प्रवेश द्वार के लिए वास्तु उपाय जान लेते हैं। साउथ वेस्ट में देखे जाने वाले 12 साल के चक्र के लिए आप यह कर सकते हैं कि जब आमदनी में बढ़त होती है तब आप पैसों की बचत करें और उसे सही जगह पर निवेश करें, और जब आमदनी स्थिर हो जाती है तो आप अपने खर्चों में कटावत करें ताकि आने वाले सालों में इससे आपकी कुछ मदद हो सके। इसके साथ आपको प्रवेश द्वार के लिए वास्तु उपाय भी करना है। फिर जब भी हम किसी वास्तु दोष के लिए उपाय करते हैं तो इससे हमें 100% परिणाम मिलना थोड़ा मुश्किल होता है।
उपायों से आपकी कुछ हद तक मदद हो सकती है। साउथवेस्ट के प्रवेश द्वार के उपायों को डिटेल में मैंने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक ऊपर दिए हुए आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई और क्वेश्चन या क्वेरीज है या फिर आप कोई वीडियो सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट में लिखें। तब तक के लिए शुभ वास्तु एंड हैप्पी लिविंग।